अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय विजन चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, कोफ्ते करी की। कोफ्ते का सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन एंड रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा आप लोग के लिए। आप लोग खाएंगे, आपके घर वाले खाएंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा और घर वाले तारीफ़ करेंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है। मेहनत तो है लेकिन कोफ्ते बनाने में मेहनत है, सालन बनाने में मेहनत इतनी नहीं है, लेकिन आप लोग को इंशाल्लाह इसको खा के अच्छा लगेगा। और आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को ताकि मेरी वीडियो आगे और प्रमोट हो। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और अपने फ्रेंड्स से और अपनी फैमिली से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप लोग ने ये काम किया। तो चले आइए अब हम लोग अपनी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। अब मेरे पास जो है ये 3 पाव कीमा है, 750 ग्राम समझ लें। और इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 2 हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको जो है इमामदस्ते में क्रश कर लिया है, 2 टेबल स्पून जो है धनिया और पुदीने का पेस्ट है, 1 टीस्पून जो है मैंने प्याज को जो है कद्दूकश कर लिया था, और 2 टेबल स्पून जो है जिंजर पेस्ट है इसको भी इमामदस्ते में मैंने कूटा है, 1/2 टीस्पून जो है खसखस है उसको भी मैंने पीसा है, और ये थोड़े से आलमंड्स हैं, बादाम और खोपरा इसको भी मैंने इमामदस्ते में बारीक पीस लिया है। तो ये हल्का सा पीस लेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो आप चॉपर में चला सकते हैं। 2 टेबल स्पून को जो है मैं धनिया के जो साबुत धनिया होता है इसको हल्का सा रोस्ट करके इसको दरदरा सा पीस लिया है इमामदस्ते के अंदर ही। और ये 1 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर है, ये भी हमने इसको भी बारीक पीस लिया है। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, और ये जो काले चने होते हैं भुने हुए वो उसको हमने इसका पाउडर बना लिया है। अभी हमने कीमे के अंदर सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो भी हमारे होंगे, हमने जो लिए थे इसमें हम पहले अपना ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था, थोड़ा सा बचा के फिर हम रख देंगे, वो सालन में काम आएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा पीस लिया था कि ताकि दोबारा ना पीसना पड़े। अब हम इसके अंदर जो है अपनी बारीक चॉप की हुई या पीसी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ये इंग्रेडिएंट्स में जो है गरम मसाला नहीं बताया था, 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी लीजिएगा। अब इसके अंदर जो है हम अपनी हरा धनिया और पुदीने का जो है पेस्ट डालेंगे, ये सब मैंने इमामदस्ते में कूटा है, और ये प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये 1 टीस्पून के बराबर थी, एक छोटी स्मॉल थी। लहसुन अदरक को भी हम अब इसमें ऐड कर देंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी बताए थे सब, अब खसखस को भी आप इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है हम अपना वो जो खोपरे और बादाम का पाउडर बनाया था उसको डालेंगे हम। अब इसके अंदर हम अपना जो है धनिया डालेंगे जो हमने क्रश किया था, साबुत धनिया को करा था हमने, सारा डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि कोफ्ते के अंदर साबुत थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। और यह थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, आधी बचा लेंगे और आधी जो है हम सालन में डालेंगे, तो मैंने ज़्यादा पीसी थी तो इसलिए मैंने हाफ हाफ कर ली। अब इसके अंदर हम अपना नमक डाल देंगे, अपने हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा, ये बाद में कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला था, तो मतलब चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा बना के। अब हम अपने ये जो भुने चने होते हैं उसको पूरा डाल देंगे। अब ये 1/2 पाव के करीब होंगे, इसको मैंने इसको साफ़ करके इसके छिलके उतार के इसको पीस लिया था। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मुक्के मार मार के, मुट्ठियाँ मार मार के इसको अच्छे से मिला लिया, ताकि सारे मसाले जो हैं एक साथ हो जाए, मिल जाए, ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना कोफ्ते। तो ये बहुत अच्छे से मसल मसल के आप लोग को बनाना है। आइए अब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं, देखें ये बॉल्स भी बन गई हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, 2 बैच में फ्राई हुए थे मेरे, तो ये मैंने 2 कप ऑयल लिया है क्योंकि हमें कोफ्ते फ्राई भी करने हैं, तो इसलिए कोफ्ते ऑयल लेंगे। तो ये मैंने आप इसमें थोड़े थोड़े आराम से डालिएगा, ध्यान से कि आपके हाथ ना जलें, तो आप लोग जो है इसको आराम आराम से अच्छे से डाल लीजिएगा। ये देखें अब इसको चमचा नहीं चलाइएगा डालने के बाद, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, फिर कपड़े से पतीली पकड़ के घुमा दीजिएगा। ये देखें कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, ये ब्लैक नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है, बीफ वालों के कलर ही ऐसे आते हैं। अब ये सेकंड बैच भी हम फ्राई करेंगे, तो 2 बैच में मेरे फ्राई हुए थे और ये कलर बहुत अच्छा आया था सालन में जाने के बाद, तो और खूबसूरत लग रहा था। बीफ के थोड़े से वो हो जाते हैं ब्लैक से, लेकिन ये कलर डिफरेंट नहीं है, सही है। अभी कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए, अब हम देखते हैं कढ़ी में क्या क्या डलेगा।
मतलब सालन में हम क्या क्या डालेंगे। अब मैंने इसमें जो है 4 बड़ी प्याज ली हैं, 5 स्मॉल टोमेटोस लिए हैं और जिंजर गार्लिक डाला था। मैंने जिंजर गार्लिक पहले ही पीस लिया था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग को ये पीसना है प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के पोटैटोस लिए हैं, इसको भी मैंने काट लिया है। और अब ये इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर डलेगा, 1/2 टी स्पून जो है हल्दी पाउडर डलेगा, थोड़ी सी मैंने जो है लाल मिर्च ली है क्योंकि मेरे घर में कम खाई जाती है, और 1/2 टी स्पून क्यूमिन पाउडर है मतलब जीरे का पाउडर, और 1/2 टी स्पून जो है होल स्पाइस मतलब गरम मसाला, और थोड़ी सी 1/2 टी स्पून से कम जो है काली मिर्च है, वो मैंने उसी के साथ बचा ली थी तो 7 हो जाएगा। और सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप लोग के घर में तेज़ खाते हैं हल्के खाते हैं जैसा भी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये हम लोग ने ऐड करने। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी प्याज डालेंगे, 1/2 उसी में से मैंने बचा ली थी तो 1/2 डालेंगे, और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखें लहसुन अदरक प्याज टमाटर का पेस्ट है ये। अब ये भी हम इसके अंदर जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, ये देखें ब्राउन होगी हल्की हल्की, अब हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से जो है चला लेंगे। और बहुत ध्यान से डालिएगा, छींटे ना आए आपके ऊपर। ये देखें मैंने अच्छे से चला लिया है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा पकाएंगे, 5 मिनट से भी कम, और उसके अंदर फिर बाकी हम अपने मसाले डालेंगे। ये मैंने डाल दिया है काली मिर्च जो भी हमने ली थी 1/2 टी स्पून से कम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा भी वही थोड़ा सा 1/2 टी स्पून ही है तकरीबन। और इसके अंदर हम अपना धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टी स्पून भर के लीजिएगा। देसी खाने बहुत ईजी होते हैं, बस इनमें यही चीज़ें डलती हैं, धनिया मिर्चें हल्दी ये सब, गरम मसाला, हल्दी डाल दी हमने अपनी, तो ये आप अगर मैं। और अब हम डालेंगे अपना गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से चंगी तरीके से जो है भुनाई करेंगे। अब हम इसको मिला के और उसको रखेंगे, कम से कम 15 मिनट भुनाई करनी है। आप लोगों को पता है सालन वालन की अच्छी सी भुनाई करें तो उसकी महक अच्छी आती है। अब मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि नमक मैंने डाल दिया है। मैंने अभी मिर्ची ऐड नहीं करी, मैं बाद में करूँगी, आप लोग इस टाइम पर मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। देखें यह सालन कितना अच्छे तरीके से भुन चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। अब ऑयल भी आप देख सकते हैं पतीली में कि कितना अच्छे तरीके से आ गया। अब हम इसके अंदर अपने आलू डालेंगे जो भी हमने काटे हुए थे, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। आलू हम डाल के 1-2 मिनट जो है इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि आलू में भी अच्छा सा करी का रस आ जाए, मसाले का रस आ जाए। तो फिर आप इसको भुनाई करके अब हम इसके अंदर अपनी पानी शामिल करेंगे। जैसे भी आपको ग्रेवी रखनी है, आपके घर में कैसी खाई जाती है, लाइट खाई जाती है या थोड़ी सी हैवी ग्रेवी खाई जाती है, तो हम लोग दरमियानी रखते हैं, ना ज़्यादा पतला हो शोरबा ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दिया था, ये देखने मैंने डाल दिया। अब इसको पानी बॉयल आएगा, इसको हम ढक्कन रख के पकाने के लिए रख देंगे। बॉयल आ गया तो अब हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डालेंगे। बॉयल आने के बाद कोफ्ते डालने, पहले नहीं डालने जब सालन बॉयल हो जाए। तो अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े आराम से कोफ्ते डालिएगा ताकि आपके ऊपर इसका छींटे ना आए, वरना तो जल भी सकते हैं। बहुत ध्यान से डालिएगा, आराम आराम से, दो दो करके, यानी कि एक साथ पूरी प्लेट डाल दी नहीं, पहले थोड़े थोड़े करके डालें, फिर बाद में आप प्लेट डाल सकते हैं। तो ये आप इसको बॉयल आने देंगे हम। देखें थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आ गया है तो फिर हम इसको ढक्कन रख कर 20 मिनट तक अपना सालन पकाएंगे। आप ये देखें हमारा सालन तैयार है। और इसको धनिया डाल के अच्छे से, धनिया और हरी मिर्चें छोटी वाली डाल के अच्छे से इसको गार्निश करें। ये देखें कितने प्यारे कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है, बरकतों से नवाजा है। तो आप लोग इसको बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत लजीज बना था, बना है। तो मैंने अपने घर के हिसाब से बनाया था, हमारे घर में 6 लोग हैं तो हम लोग 6 के हिसाब से मैंने बनाया और बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग चाहें तो, हम लोग ने तो ऐसे भी निकाल के खाए थे, तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, रोटी चावल के साथ खाएं और मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो ये बहुत ही बेहतरीन बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो हमारे घर में तो कोफ्ते बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप लोग भी बताएं आपके घर में कोफ्ते कौन खाता है या नहीं खाते, कौन किसको पसंद है किसको नहीं, और आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सब ऐसे ही बनाते होंगे, बस हो रहे बहुत इंग्रेडिएंट का फ़र्क होगा।
तो मेहनत है लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग बना के मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको डिश, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं मिलती हूँ। अगर आप लोग को कोई और खाना ट्राई करवाना है या कोई और रेसिपी पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।